दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हेरा फेर थ्री मूवी की शूटिंग से रिलेटेड आप कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे और जाने की क्या मूवी की कास्टिंग होने वाली है और ये मूवी कब तक हमें थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेरा फेर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो बॉलीवुड सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। यदि बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों की बात की जाती है तो उस लिस्ट में हेरा फेरी का नाम जरूर आता है। अभी तक हेरा फेरी मूवी की कुल दो फिल्में आ चुकी है, एक हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, जिसके बाद मेकर्स ने हेरा फेरी 3 को लेकर अनाउंसमेंट किया था और फैंस को हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार था। फिल्म हेरा फेरी 3 पिछले साल यानी 2023 में काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिसके पीछे वजह थी। फिल्म हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार का किरदार यानी राजू का जैसे कैरेक्टर को सबको पता है कि हेरा फेरी 3 बने परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नजर आए, ऐसा तो फिल्म में मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी नजर आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कब से शुरू हो रही है इस फिल्म की शूटिंग और कब तक हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहा इस तरह की वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेरा फेरी की जब से घोषणा हुई तब से दर्शकों यही इंतजार है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग कब से शुरू होगी। बता दें कि पिछले साल हेरा फेरी 3 की शूटिंग की शुरुआत हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लेकिन बता दें कि ये फिल्म हेरा फेरी 3 की बस प्रोमो की शूटिंग हुई थी। फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन अब जाकर फिल्म की शूटिंग को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। खबरों की माने तो हेरा फेरी 3 की शूटिंग अक्षय कुमार व उनकी टीम वेलकम 3 की शूटिंग पूरे करने के बाद ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स द्वारा इसकी किसी प्रकार की जानकारी और कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। पिछले अक्षय कुमार के हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश खबर आई कि उनकी जगह कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि क्या हेरा फेरी 3 में हमें कार्तिक आर्यन एज ए राजू का करियर प्ले करते हुए नजर आएंगे, तो उसका रिप्लाई में सुनील शेट्टी ने रिप्लाई दिया कि आर्यन एक अच्छे कलाकार है, लेकिन राजू के किरदार को रिप्लेस नहीं कर सकते। बता दें कि हेरा फेरी 3 के मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा मकसद के बाद और काफ़ी ज़्यादा फैंस डिमांडिंग के बाद राजू के किरदार के लिए मना लिया है और अक्षय कुमार हमें हेरा फेरी 3 में एज ए राजू का हिस्सा बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो हेरा फेरी 3 को लेकर पिछले साल ही अपडेट आया था कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू हो गई, जिसके बाद फिल्म को लेकर सुनील शेट्टी ने बताया कि फिल्म का अभी सिर्फ प्रोमो शूट किया गया है, अभी तक फिल्म फ्लोर पर नहीं है। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी वो प्रोमो की तस्वीरें थी। जिसके बाद संजय दत्त से जब हेरा फेरी 3 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्म कर रहे हैं और इस फिल्म का हिस्सा है और उनके लिए फिल्म का हिस्सा होना काफी ज्यादा रोमांचक है। अब दर्शकों हेरा फेरी 3 के रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है, पर ऐसे खबरें आ रही है कि हेरा फेरी 3 अगले साल यानी 2025 तक हमें रिलीज के साथ देखने को मिल सकती है। अगर यही बात करें इसकी कास्टिंग की, तो हमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जैसे आइकॉनिक एक्टर तो हमें देखने को मिलने वाले, उसी के साथ में हमें संजय दत्त व अन्य स्टार कास्ट भी नजर आने वाली है। स्पेशली उसके जो जॉनी लीवर का कैरेक्टर है वो भी नजर आ सकता। हमें सुनील दत्त के साथ साथ और भी जैसे जॉनी लीवर और राजपाल यादव ऐसे पुराने आइकॉनिक कैरेक्टर हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और संजय दत्त के बारे में आपको मैंने बताया था कि एक वीडियो में कि कैसे उनके इनकी मूवी में क्या करेक्टर होने वाले हैं, उसके ऊपर एक और सेपरेट से वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे इस मूवी से लेकर कोई ना कोई अपडेट आता रहेगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आप ऐसे अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जब तक देख के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त।